पबजी गेम खेलकर पैसे कमाना कैसा है। पबजी वाले टूर्नामेंट करवाते हैं और पैसे रखते हैं 1 करोड़ या 2 करोड़ सुहान, फिर जो जीतता है उसको बांट देते हैं। किसी टीम से कोई पैसे नहीं लिए जाते, क्या यह हलाल होगा या हराम? पे सवाल में खुद वजाहत की गई है कि किसी से भी पैसे नहीं लिए जाते, तो अगर पैसे नहीं लिए जा रहे लोगों से तो फिर तो ये जुआ नहीं है बल्कि एक तरह का इनाम है कि जो जीतेगा हम उसको दे देंगे। अगर सवाल में जो कहा गया इसी तरह ही हो रहा है पबजी में तो फिर ये जुआ नहीं है, ये 1 करोड़ रुपए हलाल होंगे जीतने वाले के लिए। लेकिन पबजी खेलना और उसमें टाइम वेस्ट करना ये बहरहाल सख्त मकरूह नापसंदीदा अमल है, ये कोई काबिल तकलीद अमल नहीं है और अप्रिशिएट किए जाने वाला अमल नहीं है कि आप इसको अप्रिशिएट करें। और ये पैसे कमाने का भी घटिया तरीका है, तो मैं हराम होने का फतवा नहीं लगा रहा, बहरहाल नामुनासिब और घटिया तरीका है। अपने आप को इन फजूल कामों से बचाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के इस्लाम की अच्छाई में से है कि लायानी चीज़ों से बचे। आप कह सकते हैं 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो लायानी कहाँ से हो गया, मिल किस काम के बदले में रहे हैं, क्या कौम की खिदमत की आपने, कौन सा तीर मार दिया पर वीडियो गेम पकड़ के बैठे रहे घंटे तक? तो पैसे कमाने के भी कोई इज्जत वाला तरीका इख्तियार करें, कोई अच्छी खिदमत के बदले में पैसे लें तो वो पैसा हलाल तैयब कहलाता है। ये वीडियो गेम खेल खेल के पैसे कमाना ये कोई मज़ेदार काम नहीं है, ये बेबरकत वाला काम है।